अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशपाश होंगे। तो आज से जी मैं ये यूके वाले ब्लॉग जो मेरे दो रह गए थे वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है तो इसलिए आवाज़ की माजरत चाहती हूँ। मैं ज़रा ऊँचा नहीं बोल पा रही। तो यहाँ पर जी मैं और हिना बाजी जा रहे हैं बाजी पलोशिया की तरफ। हमारा नाश्ता है, बाजी ने कहा था कि जो है ना मेरी तरफ ही आ जाना। तो मैं और हिना बाजी पहुँचे हैं बाजी के घर। मामू ने भी आना है, बाजी के इन लॉज ने भी, और उनकी कुछ फ्रेंड्स भी आएंगी और नाश्ता हम सब करेंगे बाजी की तरफ। आपसे ज्यादा अच्छे नहीं। किसी को जाके नाश्ता आया, नाश्ता ये आया है जी चांदनी चौक से नाश्ता। और जी हमारी प्यारी बाजी अम्बरीन बाजी हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त जो है नाश्ता लेके आई, और बस जल्दी में आई थी नाश्ता ही ड्रॉप करने के लिए, और बहुत बहुत उनका शुक्रिया। इतना मज़े का नाश्ता हम सब ने करना है। अच्छा कल ताड़ा तो रेड सूट तो बड़ा फेमस हो गया रेड, और जेरा कल परसों लाइव छुपाया सी। आहो कैमरा भी मारिया बी वाली कैमरा पुठा करके ही बनाई बड़ी ऊंची गई है पुठी पुठी बनाया करो फिर। अच्छा ओके जी ओके लव यू। चलो ओके हिना जी थैंक यू सो मच। आ रात का भी प्रोग्राम था, रात का प्रोग्राम तो मैं तो वसीम ने कहा कि सी आवांगे। हां मैं कहा और फिर गड्डी का हिसाब कर दे पे सन कि किन जाना है। तो मैं कहा अगर मैं 9 रुपए मैं कहा मौसम ठीक है तो फिर वही करेंगे ट्रेन वाला। जी यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं नाश्ता, बहुत ही मजे का। चने थे, भटूरे, हलवा, ऑमलेट, चिकन कढ़ाई और सादा नान, और इसके अलावा गोभी वाले नान, आलू वाले नान, और भी पता नहीं केड़े किस्मों के नान थे। तो बड़ा ही ज़बरदस्त नाश्ता था। और इसके अलावा जो है जब मामू मामी आए वो चाय वाला से बाजी ने कुछ ऑर्डर किया हुआ था वो भी साथ ले आए। तो सब ने फिर जो है मिक्स करके जिसको जो जो पसंद था सब ने वो खाया, और नाश्ते के साथ जी कड़क चाय भी थी। तो और जी नाश्ता सबने कर लिया, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, खूब गपशप सबने लगाई और खूब रौनक लगी रही बाजी के घर। और यहाँ पे अब उज़्मा बाजी जा रही हैं बाजी की देवरानी, क्योंकि उनके बच्चों के एग्ज़ाम थे, रुकना तो वो चाह रही थी लेकिन टाइम नहीं था। और हिना बाजी के साथ तो माशाल्लाह से खूब गपशप इनकी लगी और बड़ा अच्छा टाइम जो है सबने इंजॉय किया। और जी बच्चा पार्टी यहाँ पे हो रहे थे बोर, और बच्चे कह रहे थे कि अम्मा हमें पार्क लेके जाओ, हमने पार्क जाना है, पार्क जाके खेलना है। तो मैं उनको यही कह रही थी कि मुझे थोड़ा सा अभी आराम करने दो, अभी खाला के इधर बाहर जाके थोड़ा सा खेल लो, और फिर बस फिर दीनी बादशाह साथ अब्दुल्ला, रबिया और हिना बाजी की बेटी, फिर बाजी खुद भी बाहर चली गई। वो यही कि बच्चे तो फिर ख़तरों के खिलाड़ी बन जाते हैं कि जो है ना हर किस्म का स्टंट करना शुरू कर देते हैं बाहर के, बस जो है ना हम अपने आप को बिज़ी रखें। तो बाजी बस बच्चों को देख रही थी कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए, और उनको यही कह रही थी कि आराम से खेलो। बस सही है, बस हो गया टाइम पूरा चलो। यानी भी आ गए। मम्मा देखो मेरा डांस है। हां यानी यानी बेटी फाकू ये तेरे दे ला सॉरी यार हाय यू ब्रो सी लेटर। हमें मिले हैं जी गिफ्ट, खालाओं को गिफ्ट मिले हैं। बाजी पलवशा की फ्रेंड हैं उज़्मा बाजी, बहुत अच्छी हैं वो, और उन्होंने हम खालाओं को मुझे और हिना बाजी को ये जो है स्पेशल जस्ट फॉर यू थैंक यू का गिफ्ट जो है हमें मिला है। और इसमें सना सफीनाज की शर्ट, और इसमें टेड बेकर की जो है बैंगल, और साथ एक ये ब्यूटी सेट था। तो थैंक यू वेरी मच आपका उज़्मा बाजी, मुझे आपका गिफ्ट जो है बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे जी अब मैं जा रही हूँ अपना साजो सामान सारा लेके हिना बाजी की तरफ, वो सुबह जो है हमें एयरपोर्ट पे छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जी फिर बाजी से हमने ली इजाज़त, बाजी का दिल था कि अभी हम और रुक जाते, लेकिन फिर हमने आस्टा भी जाना था, वहाँ से भी शॉपिंग करनी थी। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी खैर खैरियत से हो गई। अल्लाह पाक मेरी भांजी को दुनिया जहाँ की खुशियाँ दे, अल्लाह पाक सबकी बेटियों को ऐसे ही खुशाबाद रखे, आमीन।
जी शॉपिंग हो गई यहाँ पे पूरी। बाजी ने जो बच्चों के स्नैक की चीज़ें लेनी थी वो भी ले ली, सब ने अपनी अपनी शॉपिंग करके अपना बिल पे करके, रबिया ने जो अपनी पॉकेट मनी थी उसमें से अपनी कुछ लिए और कुछ उसने अनम को जी गिफ्ट की है। तो बस जी बच्चे ऐसे ही खुश हैं। तो यहाँ पे हम हीना बाजी की तरफ पहुँच चुके हैं रात को आराम करने के बाद। यहाँ पे जी अब सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज मैंने ये पहनना है सूट, ये है ज़ारा शाहजहाँ का, ये मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है सादिया, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था और ये सूट खुद उन्होंने ही स्टिच करके मुझे गिफ्ट किया था। और ये जी सूट आज मैं पहनूंगी। हिना बाजी के साथ हमने जाना है आज नाश्ते पे, बाजी को भी कहा था तो बाजी कहती हैं कि नहीं मैं आज आराम करूंगी, आप सब जाओ। तो जी यहाँ पे हम तैयार शहर होके मैं बच्चे हिना बाजी तो जा रहे हैं टाउन। वेदर बहुत नाइस है आज, बड़ा अच्छा जो है सही, अब समर स्टार्ट होने वाला है। तो जी जाते हैं टाउन और देखते हैं आज हमने क्या जो है ना खाना पीना है। जो थम्स अप करते हो ये। और जी ब्रेकफास्ट करने हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बाजी फूड ऑर्डर कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बाजी पहले भी आ चुकी हैं तो उनको पता है कि वेजिटेरियन ऑप्शन में क्या बेस्ट है। और वो बच्चों से भी यही पूछ रही थी कि बच्चों को खाने में क्या पसंद है, तो जो वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल थे उसमें से ही फिर बच्चों के लिए जो है फूड ऑर्डर बाजी ने कर दिया। बाजी ने अपने लिए ऑर्डर की हुई थी कॉफ़ी, उन्होंने मेरे से भी पूछा, मैं कहा ना जी ना, मैं तो अब कभी भी ना कॉफ़ी पीऊँ, तुसी पियो कॉफ़ी। क्या कहा आपने भी? Amazing. भैया माशाल्लाह। उफ, विक्टोरियन स्टाइल फीलिंग आ रही है, बड़ा जबरदस्त है। प्राइवेट और ये ऊपर भी है। नहीं बड़ा अच्छा नाश्ता हमने किया, ब्रंच हमने किया, बहुत हमने इंजॉय किया। थैंक यू सो मच डार्लिंग, वेलकम वेलकम। माय तबीयत विल बी खराब। अमेजिंग, यू कैन गो क्विकली। चल ये देखो कितना सस्ता लगा, ये देखो ये देखो ये है। आई हैव दिस वन। ओए होए नहीं, यू आर हैव दिस वन। ए की ये पहला 50 दा सी। भाई ये क्या चीज है, इधर ना मैं तो शावंदा भी नहीं पता। दी नहीं ये क्या है इसमें? ओह इट्स अ वेरी पीपल लव इट, दे मेक यूट्यूब वीडियोस अबाउट ऑल द टाइम। अच्छा तो उसकी प्राइस चेक की है? या मोटिया अखा वाले भी आए, फिर छोटिया छोटिया अखा वाले भी आए। अखा चेक कर, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਆਪਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਿਹੜਾ बच्चे फिर कहते नहीं मैं नाइट मेयर आया, तो की काम है इधर का, कोई खेड़ना कोई काम है इधर का, बच्चा की खेड़ हैलोवीन इधर का, बच्चा दूसरे का तरह खड़ेगा तरह। जी दीनी और रबिया की शॉपिंग हो चुकी है, पूरे अगलों ने अपने जो जितनी ईदी मिली थी ना पूरे पैसे, एक पाउंड भी नहीं मेरे वास्ते बचाया कि माँ एक पाउंड आप भी ले लो। ये शर्ट दिखाया
ਔਰ ਖਾਲਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। और जी शॉपिंग हो गई हमारी सारी पूरी और अब हम जा रहे हैं घर। रास्ते में हमने करना है जैनब को पिक और उसके बाद फिर हम बाजी की तरफ चले गए क्योंकि आज मेरी फ़्लाइट थी तो मैंने कहा चलें बाजी को मिलके फिर ही हम घर वापस जाएंगे। और जी बाजी की तरफ आके तो बस फिर सही खाला जी का घर हमारा हो जाता है। बच्चे भी खेल रहे थे और हमने यहाँ पर व्लॉग देखना शुरू किया। बाजी पूछ रही थी कि कुछ खाना है, हमने कहा कि नहीं अभी तो नाश्ता करके आए हैं हम। लैके घर जाके की करना है, उधर बाजी सामान सारा संभाल रही हैं। बस हम भी थोड़ी देर में जान चले जाएंगे, ही करना है ग्रिल करके ना मोरी पेस्ट लाने ये मैं वाली प्लेट है। मैं क्या पता नहीं कड़ी बनानी है थी और तेरे में खत्म हो चुकी है। और जी अब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे बच्चे मिले अपने कजन्स को और बाजी को मिले और बाजी ने मुझे बहुत प्यारा सूट जो है वो गिफ्ट किया है। बच्चों को जो है अलग से पैसे मिले हैं तो अल्लाह पाक मेरा जो है मेकअप मेरे बच्चों का नान का अल्लाह पाक सलामत रखे। तो परदेश में यही एक मुझे जो है मेरी हिम्मत है कि मेरी बहनें यहाँ पे हैं तो जब दिल करता है जैसे हॉलीडेज़ में मैं आ जाती हूँ या वो मेरी तरफ आ जाती हैं तो अच्छा टाइम जो है गुजर जाता है। तो यहाँ पे अब मैं आ चुकी हूँ हिना बाजी की तरफ और ये सूटकेस जो है पहले इधर था, अब सारा सामान यहाँ पे ला के चेक करके जो वॉशिंग वाले कपड़े थे वो दूसरी साइड पे बैग में रख दिए। और जैनब ने जी हमारे लिए यहाँ पे फूड ऑर्डर किया था, मैंने तो उसको मना किया था, कहती नहीं लाला कुछ खा के आप चले जाना आगे, फिर एयरपोर्ट पे भी इतना टाइम लगना है, रात को भी आपने फिर लेट पहुँचना है। तो यहाँ पे फिर ये चिकन स्ट्रिप विद राइस माइल्ड थे बहुत मज़े के और बच्चों के लिए ये पिज़्ज़ा था। तो लेट ऑलरेडी हम इतना हो गए, मैं कहा चलो अब जल्दी खाओ और फिर हम एयरपोर्ट के लिए जो है ना फिर निकले। So now we have to go back to Glasgow, but it's okay because I kind of missed it. Inshallah, I'll be around you. ठीक है? अभी और ना भी। हाँ, inshallah, inshallah, inshallah. चलो। अच्छा ना? हो गया? नहीं क्या? और जी सामान यहाँ पे कार में रखा जा चुका है, पहले तो सब बच्चों ने आना था फिर सामान मेरा ज़्यादा हो गया तो इसलिए हमारे साथ बस एक ही बच्चा अब आ रहा है। और जी हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ सफ़र हमारा रवान दवा था, हाफ एन आवर में हम हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच गए, अब बस एक घंटा है जी हमारे पास। अलीना इधर से जा रही है सीधा पाकिस्तान। जी जा रही, हम आगे सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे और चलो जी चलो जी इंशाल्लाह फिर मुलाकात। और जी बच्चे मिल रहे हैं यहाँ पे अपने खालू को और उनको भी अल्लाह हाफिज़ का हाथ। सो थैंक यू वेरी मच पलविशा बाजी आपका, आपकी फ़ैमिली का, हिना बाजी आपका, आपकी फ़ैमिली का। माशाल्लाह से हमने खूब इंजॉय किया, बड़ा बेस्ट टाइम हमारा यहाँ पे गुजरा, खूब सारी हमने मेमोरीज़ बनाई। और यहाँ पे जी आज का जो है ये शादी सीज़न का व्लॉग ये लास्ट था मेरा, इसके बाद अब कोई व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि मैं पाकिस्तान आ चुकी हूँ और अब रेगुलरली जो है पाकिस्तान के ही व्लॉग्स आएंगे। तो अल्लाह पाक मेरी बहनों को हमेशा खुशाबाद रखे, अल्लाह पाक मेरा मेका मेरे बच्चों का नान का हमेशा जो है वो सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी हम जहाज़ में बैठ चुके हैं तो बस डेढ़ घंटे की फ़्लाइट थी हमारी और खैर खरीत से जी हम यहाँ पे ग्लासगो पहुँच चुके हैं। तो ग्लासगो पहुँचने के बाद जैसा कि मैंने आपको अपने ब्लॉग में पहले ही बता दिया था कि दो दिन आराम करने के बाद मेरी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी और पाकिस्तान हम पहुँच चुके हैं और बड़ा अच्छा हमारा यहाँ पर टाइम गुजर रहा है। अब आप रेगुलरली जो है मेरे पाकिस्तान के ब्लॉग्स देखेंगे। तो आज का ब्लॉग जी मेरा यहाँ पर हुआ पूरा, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी अल्लाह हाफिज़।